चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं गांव और झाड़ियों की खबरें। जयपुर के जोबनेर में बिजली की बढ़ी दरों को लेकर विद्युत कार्यालय के बाहर हजारों की तादाद में एकजुट हुए किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। पूर्व विधायक अमलाराम ने कहा किसानों की मांगें पूरी नहीं होने पर संसद को घेरने की चेतावनी दी है। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर सांवरले के एसडीएम को ज्ञापन दिया। किसानों की भारी भीड़ को देखते हुए दूदू एडिशनल एसपी ने भारी पुलिस बल तैनात किया। मूली के नैनवा में उपखंड के दुगारी गांव में बीपीएल व एपीएल परिवारों को उचित मूल्य के गेहूं वितरण में गड़बड़झाला सामने आया, जहां परिवारों को कई महीनों से गेहूं नहीं मिला है, जबकि ऑनलाइन वितरण सूचना में उनको कई महीने से गेहूं उपलब्ध कराना बता रखा है। तीन परिवारों के सदस्यों ने अपने खाली पड़े राशन कार्ड व ऑनलाइन में उनको गेहूं उपलब्ध कराने का रिकॉर्ड कार्यवाहक उपखंड अधिकारी को पेश किया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके गेहूं राशन डीलरों ने हड़प लिए। दौसा के लालसोट में सवेल गांव में राजस्व विभाग ने पुलिस लवाजमत तरारी विभाग की टीम के साथ चारागाह की 150 बीघा भूमि पर स्थित 89 लोगों के अतिक्रमण को हटाने का काम किया। झुंझुनू के पिलानी में खिरोड में पुराने बाजार में बावलिया बाबा सेवा समिति के सौजन्य से बाबा के निर्वाण उत्सव के उपलक्ष्य में जागरण का आयोजन किया गया। जागरण में जयपुर के गायकारों ने भजनों की प्रस्तुति दी। पाली के मारवाड़ में मेघवाल समाज की ओर से आयोजित प्रतिभावान सम्मान समारोह में 225 प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। अध्यक्ष प्रताप राम भोपाल जी ने कहा कि शिक्षा से ही समाज की उन्नति होती है। इस मौके पर पूर्व मंत्री अचलाराम मेघवाल ने भी संबोधित किया। सवाई माधोपुर के खंडार में सर्दी के तीखे तेवर जारी हैं और सुबह की शुरुआत कोहरे के साथ होती है, जहां लोगों को अलाव का सहारा ले रहे हैं। हनुमानगढ़ के नोहर में कृषि विज्ञान केंद्र नोहर की ओर से आयोजित संस्थागत पशुपालन प्रशिक्षण सप्ताह का समापन हुआ। जब समापन समारोह के मुख्य अतिथि पंचायत समिति प्रधान अमर सिंह पूनिया ने प्रोत्साहित करते हुए किसानों को मिश्रित खेती में आधुनिकता के साथ पशुपालन को बढ़ावा देने की बात की। भरतपुर के नदवई के गांव अटारी में ग्रामीणों की ओर से रास्ते पर हो रहे अतिक्रमण को ग्राम पंचायत ने प्रशासन के सहयोग से हटवाया, जहां से पहले ग्राम पंचायत की ओर से नोटिस जारी किया गया था। जयपुर के दूदू में बंदे के बालाजी की कुमावत धर्मशाला में 28 फरवरी को फुलेरा में 13वें कुमावत विवाह सम्मेलन पर चर्चा की गई। इस सामूहिक विवाह की समितियां बनाकर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी गई। हनुमानगढ़ के रावसर में अवैध रूप से पेड़ों के काटने के मामले में उपखंड अधिकारी के हस्तक्षेप के बाद वन विभाग के अधिकारियों ने एक खेजड़ी से भरे अवैध बेहड़े को जब्त किया। कोटा के इटावा पंचायत समिति में साधारण सभा की बैठक का आयोजन हुआ, जहां एसडीओ संजीव कुमार शर्मा ने कहा कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। चूरू के तारानगर के ग्राम चंगोई में हो रही अघोषित विद्युत कटौती से ग्रामीण परेशान और शिकायत के बाद भी विभाग ध्यान नहीं दे रहा है। विद्युत विभाग कर्मचारी भी संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे। धौलपुर के श्यामपुर क्षेत्र में घने कोहरे के चलते ग्वार से भरा हुआ लोड ट्रैक्टर सड़क से नीचे पलट गया, लेकिन हादसे में चालक बाल बाल बचा और एक बड़ा हादसा टल गया। राजसमंद के देवगढ़ में नगर की ट्रैफिक व्यवस्था आवारा पशु अतिक्रमण को लेकर नगर पालिका सभागार में उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में नगर के विकास के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस मौके पर नगर पालिका सभापति सहित सभी पार्षद उपस्थित रहे। भीलवाड़ा के आसीन में खारी डैम के अंदर जलदाय विभाग के कुएं सूखे पड़े हैं। 6 कुओं में से केवल 2 कुओं में नाम मात्र का पानी है, जिससे यहां पेयजल की गंभीर समस्या आ सकती है। जलदाय विभाग 48 की जगह 72 घंटों में पानी देने की योजना बना रहा है। करौली के मंजुआल में परिवहन अधिकारी ने मंजुआल में वाहनों की धरपकड़ करते हुए टाटा और टेम्पो को जब्त किया, जहां कार्रवाई कागज पूरे न मिलने पर की गई। बूंदी के कापरेन में उपखंड क्षेत्र के आजुंदा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर्यटन सेवा केंद्र में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। जहां चौपाल में ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं से जिला कलेक्टर सहित चौपाल में मौजूद अन्य अधिकारियों को अवगत कराया। वहीं चौपाल में ग्रामीणों ने सरकारी विद्यालय में शिक्षकों के रिक्त पदों की समस्या से अवगत कराया। ग्रामीणों ने सामुदायिक भवन बनाने में बस स्टैंड की मांग की। साथ ही कलेक्टर ठकराल के समक्ष आजंदा गांव की सीमा को दहीखेड़ा थाना क्षेत्र से हटाकर कापरेन थाना क्षेत्र में सम्मिलित करने की मांग की। चौपाल में 3 पेंशन के प्रकरणों का मौके पर निस्तारण किया गया। राजसमंद के कांकरोली थाना क्षेत्र के मोही गांव की कॉलेज छात्रा से दुष्कर्म कर वीडियो क्लिप बनाकर ब्लैकमेल करते हुए बार बार दुष्कर्म के लिए दबाव बनाने का मामला सामने आया। पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी। चौक के देवली में दूध में धांधली करने का मामला सामने आया, जहां भीलवाड़ा डेयरी से मिलीभगत हो रही है और देवली के बूथ संचालक मिलीभगत से भीलवाड़ा डेयरी का दूध ले रहे हैं।
अजमेर के ब्यावर में राजकीय चिकित्सालय का नेत्र रोग विभाग इन कंपाउंडर के भरोसे चल रहा है और चिकित्सालय में कार्यरत नेत्र रोग चिकित्सक के अधिकांश दिन अवकाश पर होने के कारण शहर सहित आसपास के रोगियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारियों द्वारा ग्राहकों से लगातार दुर्व्यवहार जारी है। बार बार शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसी बात को लेकर किसान सभा और एसएफआई ने एसबीआई की मुख्य शाखा के सामने नारेबाजी कर सांकेतिक धरना दिया। बाद में एसडीएम कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया। लोगों ने कहा बैंक के कर्मचारी नोटबंदी का सहारा लेकर अन्य काम भी नहीं करते हैं। झालावाड़ के डक्की गंगधार उपखंड अधिकारी चंदन दुबे ने बताया शिविर में भामाशाह पेंशन बैंक खाते सीडिंग राशन कार्ड सहित कई समस्याओं का मौके पर समाधान किया जाएगा। जैसलमेर के रामगढ़ में तनोट में छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ जहां आईजी बीआर मेघवाल तनोट पहुंचे और कार्यक्रम में भाग लिया। बारह के अंत में बैंक में पिछले एक सप्ताह से बैंकों में कैश ना के बराबर होने से लोग परेशान हैं। एटीएम अधिकांश बंद है और अगर कहीं चालू भी है तो उस पर दिन रात लंबी कतारें लगी। बूंदी तालेड़ा में पंचायत समिति क्षेत्र की जमीतपुरा ग्राम पंचायत के आंगनबाड़ी केंद्र में स्वास्थ्य संबंधित बैठक की गई। बैठक में अभिभावकों को पूर्ण प्राथमिक शिक्षा के बारे में बताया गया। बच्चों को कुपोषण संबंधित जानकारी दी गई। बारह के अंत में NH-27 सीमलिया कराड़े के बीच वाहन चालक आए दिन दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। फेसिंग वॉल नहीं होने से मार्ग पर नीलगायों के आ जाने से गंभीर दुर्घटनाएं हो रही हैं और विभाग भी इसको ध्यान नहीं दे रहा है। अलवर के थानागाजी में जीएडी मंत्री एन सिंह भड़ाना ने क्षेत्र में पेयजल योजनाओं का उद्घाटन किया और कई विकास कार्यों की सौगात दी। झुंझुनू के सूरजगढ़ में लूट के वक्त काम वाली स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद कर ली गई जहां पुलिस ने धरनू की ढाड़ी निवासी अजीत जाट के यहां से गाड़ी बरामद की। बूंदी के हिंडोली में उपखंड क्षेत्र में चल रहे अवैध खनन पर लगाम कसते हुए उपखंड अधिकारी के नेतृत्व में सथूर के पास संयुक्त अधिकारियों ने दल में अवैध खननकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की। उपखंड अधिकारी ने बताया कार्रवाई के दौरान पुलिस राजस्व विभाग खनिज विभाग वन विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई के दौरान लवाजमों को देखकर खननकर्ता मौके से फरार हुए। मौके से कंप्रेशर मशीन व ट्रैक्टर को जब्त कर लिया गया। अजमेर के बांसूर में कस्बे के नारायणपुर रोड स्थित खेत में मकान में चोर घुसकर संदूक में रखे सोने चांदी के आभूषण नकदी लेकर फरार हुए। साथ ही बदमाशों ने 30,000 भी चोरी कर लिए। चूरू के सौलसर कस्बे में ट्रैफिक व्यवस्था चर बना गई है। वाहन चालक न्यू एंट्री को पार्किंग स्थल बना रहे हैं लेकिन यातायात पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। हनुमानगढ़ के भादरा में पटवा माइनर क्षेत्र के किसानों ने जोगीवाला सरपंच के नेतृत्व में एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और ट्रेल तक पानी पहुंचाने और किसानों की विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग की। वहीं ज्ञापन में अवगत करवाया गया कि रतनपुरा से पटवा माइनर के बैट का लेवल सही नहीं है और गेट भी खराब पड़ा जिसे जल्द सही कराया जाए। करौली की नादोती में मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ने से मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है जबकि यहां चिकित्सकों के पद खाली पड़े हैं। इसकी वजह से मरीज परेशान होते हैं और विभाग कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बारह के अटरू में थाना क्षेत्र के कटामल त्राहे पर एक ट्रॉला पलट गया। ट्रॉला पलटने से चालक और खलासी को हल्की चोटें आई। ट्रॉला पलटने के दौरान त्राहे पर राहगीरों की भीड़ लग गई। और खबर पंचायत में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों के आप हमारी वेबसाइट firstindianews.com पर भी लॉगिन कर सकते हैं। नमस्कार।